पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 मैच खेला जाएगा। इस वीडियो में दोस्तों हम आपके साथ की प्लेयर्स की न्यूज़, प्लेयर स्टेटस, टॉप ग्रांड लीग टीम शेयर करेंगे, टॉप क्लास कैप्टन और वाइस कैप्टन ऑप्शंस के बारे में भी आपको जानकारी देंगे, रीसेंट परफॉर्मेंस, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स। इतना ही नहीं दोस्तों, वेदर रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट और इस मैच के जो फाइनल टीम्स है वो भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम के लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दोनों टीम्स के दरमियान टोटल 14 हेड टू हेड मैच हुए हैं T20s में, जिसमें से दोस्तों पाकिस्तान ने 10 T20s मैच जीते हैं और सिर्फ 4 मैच दोस्तों न्यूजीलैंड ने जीते हैं। लास्ट 5 मैच की अगर हम बात करेंगे, लास्ट 5 मैच में दोनों टीम्स ने दोस्तों सिर्फ 2-2 मैच जीते हैं। जिस ग्राउंड में ये दोस्तों मैच खेला जाएगा, ये ग्राउंड जो है दोस्तों यहाँ का एवरेज स्कोर 160 प्लस रहेगा और जो मौसम है वो बिल्कुल क्लियर रहेगा और इस ग्राउंड पर दोस्तों ज़्यादा फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट मिलने वाला है। यहाँ पर फास्ट बॉलिंग को दोस्तों ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। अब हम दोस्तों डिटेल में बात करेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक करना प्यारे दोस्तों। ये फर्स्ट मैच है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के दरमियान, ये दोस्तों खेला जाएगा शाम के 7:30 बजे। तो ये खेला जाएगा गैडेफी स्टेडियम लाहौर पाकिस्तान में। और दोस्तों इस ग्राउंड पर जो रीसेंट के मैच हुए हैं उस पर थोड़ा सा नज़र डालेंगे, जिससे दोस्तों हमें पिच के बारे में थोड़ी सी और जानकारी मिलेगी। तो ये 4 मैचेस इस ग्राउंड पर रीसेंट हुए हैं इंग्लैंड पाकिस्तान के दरमियान, जिसमें इंग्लैंड ने 209 रन का स्कोर किया, पाकिस्तान ने सिर्फ 142 का स्कोर किया। और फिर पाकिस्तान ने 179 का स्कोर किया, इंग्लैंड ने 170 का स्कोर किया। पाकिस्तान ने 145, इंग्लैंड ने 139, पाकिस्तान ने 162 और ऑस्ट्रेलिया ने 163 स्कोर किया है। कुल मिला के देखा जाए तो 160 के आसपास यहां का स्कोर रहने वाला है। बस एक बार 200 के पार स्कोर इंग्लैंड ने किया है और विकेटें भी दोस्तों अच्छी गिरती है। यहां पर आप देख सकते हो एक एक इनिंग में 3 और 8 हो गए 11, 6 और 2 हो गए 8, 10 और 7 हो गए 17 विकेट, 7 और 8 हो गए 15 विकेट। यानी अच्छे विकेट भी यहां पर गिरने वाली है इस ग्राउंड में और 160 के आसपास ही स्कोर रहेगा। दोनों टीम्स ने दो लास्ट 5 मैच में 2-2 मैच जीते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करेंगे कि किस प्लेयर को किस प्लेयर ने कितनी बार आउट लिया है। शादाब खान को बी टिकनर ने दोस्तों 2 बार आउट किया है। जेम्स नीशम ने दो बार आउट किया है। मोहम्मद रिजवान को ईशांत सोदी ने 2 बार आउट किया है। ठीक है, फहीम अशरफ को बी टिकर ने 1 बार आउट किया है। फ़खर जमान को ईशांत सोदी ने 1 बार आउट किया है। बाबर आजम को एडम मिलनी ने 1 बार आउट किया है। शान मसूद को बी टिकर ने 1 बार आउट किया है। ईशांत सोदी को हैरिस रूप ने 1 बार आउट किया है। वही अगर मार्क चैंप की बात करेंगे, इसको हैरिस रूप ने 2 बार, इमाद वसीम ने 1 बार, नसीम शाह ने 1 बार आउट किया है। वही जेम्स निशम की बात करेंगे, इसको फहीम अशरफ ने 1 बार, शादाब खान ने, हैरिस रूप ने और शाहीन शाह आफरीदी ने 1-1 बार आउट किया है। वही दोस्तों डैनियल मिचेल की बात करेंगे, इसको इमाद वसीम ने 1 बार आउट किया है। दोनों टीम्स के दरमियान जो हेड टू हेड मैच हुए हैं, लास्ट के 2-3 हेड टू हेड मैच की अगर हम बात करेंगे, तो ये पहला हेड टू हेड मैच है जिसमें दोस्तों पाकिस्तान ने मैच को जीता था। इसमें दोस्तों डैनियल मिचेल ने 53 नॉट आउट, जेम्स नीशम ने 16 रन नॉट आउट। वापसी में मोहम्मद रिजवान ने 57, बाबर आजम ने 53, मोहम्मद हैरिस ने 30, शाहीन शाह आफरीदी ने 2 और मोहम्मद अवाज़ ने 1 विकेट लिया था। वही दूसरा मैच की बात करेंगे दोस्तों, ये भी पाकिस्तान ने जीता था और इसमें मार्क चैंप ने 2 विकेट निकाले थे और 25 रन का स्कोर किया था। जेमी निशम ने 17, वापसी में रिजवान ने 34, शान मसूद ने 19, मोहम्मद नवाज़ ने 38, इफ्तकार ने 25, नसीम शाह ने 2 विकेट और हारिस रूप ने 2 विकेट निकाले थे। और एक मैच इनके दरमियान जो हेड टू हेड में हुआ था वो न्यूजीलैंड जीत गई थी। इसमें दोस्तों बाबर आजम ने 21, इफ्तकार ने 27, आसिफ अली ने 25, शादाब खान ने 8 रन और 1 विकेट। और एक इनके दरमियान जो मैच हुआ था वो दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान जीत चुकी है। मार्क चैंप ने इसमें सिर्फ 32 रन बनाए थे, बाबर आजम ने 79 रन की पारी खेली थी, शादाब खान 34, हैरिस रूप ने 3 विकेट और नवाज़ ने 2 विकेट निकाले थे। दोनों टीम्स के दरमियान अगर हम रीसेंट प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करेंगे कि कौन कौन सा प्लेयर आपको खेलते हुए नजर आ सकता है, सबसे पहले दोस्तों अगर हम पाकिस्तान की बात करेंगे और साथ ही साथ आपको प्लेयर की परफॉर्मेंस भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप किसी भी प्लेयर के बारे में डिटेल में जानकारी पाना चाहते हो तो आप वीडियो को रोक के इसको देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले रिजवान आपको राइट हैंड बैट विकेट कीपर इनका खेलते हुए नजर आ जाएगा। लास्ट मैच की बात करेंगे 15, 57, 32, ये इसकी परफॉर्मेंस है। बाबर आजम राइट हैंडेड बैट 32, 53, 25, तो ये आपको खेलते हुए नजर आ जाएगा। फखर जमान 20, 0, 13, 5, ये आपको वन डाउन खेलते हुए नजर आ सकता है। शान मसूद आपको खेलते हुए लेफ्ट हैंडेड बैट है 38, 3, 24, इफ्तिकार आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे, काफ़ी कमाल की दोस्तों ये बैटिंग करता है। इमाद वसीम आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे, एक ऑलराउंडर ऑप्शन है, हालांकि इफ्तिकार भी ऑलराउंडर है, शादाब खान भी ऑलराउंडर ऑप्शन है, मोहम्मद नवाज़ ऑलराउंडर ऑप्शन है। वहीं नसीम शाह, शाहीन शाह आफरीदी और हैरिस रूप आपको इस मैच में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। इस मैच में जो कहर बरपा सकते हैं तो वह शाहीन शाह आफरीदी। ठीक है, तो बात करते हैं बेंच प्लेयर्स की, आप इनके बारे में भी जानकारी पा सकते हो। फहीम अशरफ है, मोहम्मद हारिस है, सैम अयूब है, इंशाल्लाह अगर इसको खेलने का मौका मिला तो ये भी कहर बरपा सकता है। जमान खान विकेट लेता है, इनके पास ये 5 फास्ट बॉलर्स हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। अब न्यूजीलैंड की बात करते हैं, इनकी तरफ से चैड बोविस आपको ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं, ये T20s का स्कोर है इसका रिसेंट परफॉर्मेंस। विल यंग आपको खेलते हुए नजर आएंगे,
टॉम लिथम आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे, डैनियल मिचेल आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे, मार्क चैंप आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे, नीशम रचन विंद्रा आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे, हेनरी शिल्पी आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे जो कि काफ़ी अच्छे ऑप्शन है, एडम मिलनी आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे, ईशान सोदी और ब्रिजमान लिंस्टर आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे। ये काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। अगर हम ब्रिजमान लिंस्टर की बात करेंगे, हेनरी शिल्पी की बात करेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे ऑप्शन है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके बेंच प्लेयर्स की। आप देख सकते हैं कोलिन डी ग्रैहम, डेनियल ग्रैहम, बेट टेकर, मैट हेनरी, ये अच्छे ऑप्शन है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, वापस चलते हैं ड्रीम इलेवन पर, जहाँ पर मैं आपको टॉप क्लास 3 ग्रैंड लीग टीम्स का प्रीव्यू दिखाऊंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और घंटी दबा दे लेटेस्ट ड्रीम इलेवन की वीडियोज़ को सबसे पहले देखने के लिए। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन टीम्स को कॉपी नहीं करोगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि फाइनल टीम्स आपको कहां पर मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो अब जो मैंने टीम्स बना रखे हैं, आप इनमें से कॉपी भी तो कर सकते हो, बट थोड़ा सा चेंज तो करना ही पड़ेगा। डायरेक्ट सेम टू सेम करोगे तो फिर कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी लाइनअप नहीं आई है, अभी बहुत कुछ हो सकता है। ये पहला टीम है, इसमें दोस्तों 2 विकेट कीपर पिकअप किए, टॉम लैथम, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, एम चैंप, यॉन्ग, 3 ऑलराउंडर, 3 बॉलर्स को पिकअप किया है। नीचे अगर हम बात करेंगे, एच शिल्पी, बी लिस्टनर और शाहिन शाह आफरीदी को पिकअप किया है। ठीक है, तो ये पहला ग्रैंड लीग टीम है। इसमें दोस्तों क्या है कि अगर पाकिस्तान ने पहले या बाद में बैटिंग की, ये दो जो है दोस्तों, अगर ये टिक गए क्रीज पर तो ये अकेले मैच को आगे लेके जा सकते हैं। ये पहला है, और रही इनकी बात दोस्तों, ये एक एक या दो दो विकेट आपको निकाल के दे ही सकते हैं। और इन सब की तो बैटिंग आएगी, ये इस टीम को बना के इमेजिन किया है कि अगर ऐसा हो गया। वही दोस्तों, ये भी दोस्तों विकेटें तो लेते ही लेते हैं, अगर इन्होंने 50-60 रन बना लिए उसके बाद तो विकेटें गिरेंगी, तो यही दो है ऐसे जो विकेट ले सकते हैं। ठीक है, ये पहला टीम है, ये तो विकेट निकालेगा ही निकालेगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे टीम की, इसको भी थोड़ा सा इमेजिन करके बनाया गया है। इस टीम में क्या है कि कैप्टन शाहिन शाह आफरीदी, बी लिस्टनर को वाइस कैप्टन बना दिया, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी विकेटें लेता है, इसलिए इसको ट्राई किया है। हो सकता है अगर 30-40 रन के बना के ये इन दोनों में से कोई आउट हुआ तो फिर ये आएंगे जो मिडिल ऑर्डर में खेलते, ये 3 प्लेयर्स ये दोस्तों मैच को आगे लेके जाएंगे, और शाहिन शाह आफरीदी इनके पहले से विकेटें लेके चलेगा, तो ये टीम काम कर सकता है। ठीक है, अब क्या बात है टीम नंबर थर्ड, तीसरे टीम में मैंने बाबर आजम को बाहर कर दिया, मोहम्मद रिजवान को बाहर कर दिया। हो सकता है अगर वो पहले ही चले गए, जैसे कि जनी निशम, एच शिल्पी, बिलिस्टर, इन्होंने किसी एक ने एक एक विकेट ले लिया, और फिर इफ्तिकार दोस्तों जो मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए नज़र आएंगे आपको, ये क्रीज पर टिके रहे तो ये आपको 50-60-80-90 भी स्कोर करके दे सकते हैं। इस टीम को ऐसे दोस्तों यहाँ पर हमने ट्रीट किया है। कैप्टनसी के लिए ये भी बढ़िया ऑप्शन रहेंगे, ये भी हाई रिस्क की ग्रैंड लीग के लिए ठीक रहेंगे, लेकिन मैंने दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस इनको दी है। ठीक है, अब क्या हुआ है, मैंने मोहम्मद नवाज़ को दोस्तों वाइस कैप्टनसी के लिए यहाँ पर टारगेट किया। आप चाहो तो शादाब या इमाद वसीम को भी ट्राई कर सकते हो, हालांकि आपको बहुत टीम्स में इमाद वसीम कैप्टन देखने को मिल जाएगा। और एक टीम कैसे बन सकता है जिसमें पाकिस्तान के ज़्यादा या नीचे बॉलर रहेंगे और पाकिस्तान के ओपनिंग जो बैट्समैन से वो पेयर रहेगा, बाकी क्योंकि दोस्तों न्यूजीलैंड के मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा विकेट गिरने वाली है, अगर आप चाहो तो यहाँ पर बाबर मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम को ले लो, नीचे पाकिस्तान की पूरी बॉलिंग के ले लो, वो भी एक ग्रैंड लीग टीम बन सकता है। ठीक है, अब टीम्स तो आपको मिलेंगे टेलीग्राम पे, 3-4 ग्रैंड लीग टीम्स मिल जाएंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, वीडियो को लाइक करके जाना, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।